ये जो आप स्नो में बजाय इसके के कदम आप उठा उठा के रखें, बेहतर है कि जमा जमा के रखें। थैंक यू सो मच, आज फ्री हो रहा है थोड़ा, वैसे तो वीडियोस में आना पसंद नहीं करता। ये देखें मिक्सिंग मशीन चेक करें, हाउ ह्यूज इज दैट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप यूट्यूब। ये देखें जनाब, आज जब सुबह सुबह हम उठे हैं, यानी कि सुबह के 11:30 बजे हम उठे हैं, और जब खिड़की से बाहर झांक के देखा है तो सफ़ेदा ही सफ़ेदा नज़र आ रहा है। आज है यहाँ पे स्नो डे एंड इट्स अ सैटरडे टू, और विंटर ब्रेक भी स्टार्ट हो चुकी है, और रात को लेट सोएंगे, सुबह देर से उठेंगे। तो इस वक्त भी 11:30 बज रहे हैं। अभी हम लोगों ने अभी हम लोग मेकअप हुए हैं, और फिर नाश्ता वाश्ता करके प्लान ये कर रही हूँ मैं कि जज़ा को लेके थोड़ी देर स्नो में नीचे जाऊँ ताकि वो स्नो में खेल ले, उसको बड़ा शौक है। तो हम माँ बेटी का तो ये प्लान है, लेट्स सी आगे क्या होता है। जैसे जैसे दिन गुजरेगा आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। हाय जज़ा, लुक हियर, आर यू गोइंग? हां मम्मी, टू प्ले इन द स्नो। ओके जी, स्टेयर्स लेके हम जा रहे हैं टू प्ले इन द स्नो विद ऑल आर विंटर गियर। मैंने स्नो पैंट्स नहीं पहनी क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, रीजन ने डोर खोल दिया है। चेक करें, स्नोइंग रियल गुड। ओह नाइस, ये देखें। हाय जज़ा, तो बच्चों के साथ मैं नीचे आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, जस्ट टू एंजॉय अ बिट ऑफ स्नो। ओके जी, अभी हमने स्नोबोर्ड लेना है, इसलिए हम घर से कुछ देसी तरह का काम करके आए। जज़ा यहाँ पे स्लाइड बनी हुई है, और अजय जो है वो जज़ा के लिए रास्ता क्लियर कर रहा है, फिर जज़ा जो है यहाँ से स्लाइड करेगी। देखते हैं कि ये तजर्बा कामयाब रहता है कि नहीं। ओके जज़ा, बैठ जाओ इसके ऊपर। अजय, यू हैव टू पुश हर। इसको करना नहीं आ रहा। नाइस, इट्स वर्किंग। ये देखें जनाब, स्नो में आके बच्चों का ये हाल हो जाता है। जैसा बेस्ट सैटरडे विंटर डे एवर। ये देखें लाल टमाटर मुन्ना। ओह, योर फेस इज सो रेड, आर यू कोल्ड? इट्स ओके। स्नो में बजाय इसके के कदम आप उठा उठा के रखें, बेहतर है कि जमा जमा के रखें ताकि गिरे ना। अभी 3-4 दफ़ा मैं गिरते गिरते बची हूँ, इससे ये होता है कि आपको पता होता है कि कदम आपके किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्नो एडवेंचर हुआ ख़त्म, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अभी जरा है हॉट चॉकलेट, घर में बनाएंगे यमी यमी हॉट चॉकलेट, और फिर टायर पर मिल जाना है फिर ग्रोसरीज। काम मेरे अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अल्लाह, बट इट वॉज़ फन, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया। चले जी, अब आपसे मिलते हैं आगे। दस अजर। ओके जी, ओके। ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, शायद आप लोगों को आवाज़ आ रही हो, ये मेरा बेटा है। थैंक यू सो मच, आज फ्री हो रहा है थोड़ा, वैसे तो वीडियोस में आना पसंद नहीं करता। अच्छा जी, स्कूल से हमें मिली थी ये वाली कैंडीज, काफ़ी सारी मिली थी ये बेचारी, कल तो काफ़ी सारी थी लेकिन आज इतनी सी हो गई हैं। और साथ में हमें ये मिला था चॉकलेट बॉम्ब और कुकीज़ थे, एक बच्ची ने मुझे गिफ्ट में दिए थे एक स्टूडेंट ने। तो ये वॉर्म मिल्क जो है ये हो रहा है यहाँ पे, और इसके ऊपर इसके अंदर जो है ये चॉकलेट बॉम डालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। चले, शी मेड देम टू। ओ, ये तो खुद ब खुद खुल गया। ओ, दिस इज़ एक्चुअली फॉर हॉट चॉकलेट।
जो मैंने डाला है तो ये मेल्ट हो गया. हाउ नाइस. ये देखें अंदर से, ओ मार्शमेलोज एंड एवरीथिंग, यम्मी. स्नो में से भी बाहर से आए हैं तो बच्चों को सही सर्दी लगी हुई है, उनके लिए तो ये परफेक्ट है. मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ तो बच्चों को अब दूंगी ये ड्रिंक. बनाने लगे हैं आज फ्राइड चिकन. अच्छा जी, उसके लिए मैंने एक होल चिकन लिया हुआ है जिसको वॉश करके अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है. ठीक है, चिकन मैंने ले ली है एक, उसके 12 पीसेस करवाए हुए हैं और उनसे कहा था बुचर से कि स्किन को जो है वो छोड़ दें चिकन के ऊपर ही. सबसे पहले बनाएंगे इसका मैरिनेशन. उसके लिए जो ये दही के ऊपर पानी आ जाता है ये ज़रूर ले लें. दिस इज़ गोना हेल्प टेंडराइजिंग द चिकन. ठीक है, साथ में एक और दो और ये हो गए आपके 3 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट. उसके बाद स्टार ऑफ द शो है नेशनल चिकन ब्रोस्ट मसाला. दिस इज रियली रियली गुड. इससे मैं पहले इसके बगैर बनाती थी फ्राइड चिकन, अच्छा बनता था वो भी, लेकिन जो इसके साथ बनाने से बात आई है ओ हो. सो इसको हम रहे हैं कार्ड और आधा पैक ऑफ दिस शान चिकन ब्रोस्ट मसाला, आधा अभी आधा रोक लें. ठीक है, थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे विनेगर, ध्यान से डालें बिल्कुल ही, ओ बस काफ़ी है. ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर. ठीक है, और सॉल्ट ऑब्वियसली जाएगा थोड़ा सा, और अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर भी इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं या हॉट सॉस भी डाल सकते हैं, बोथ वर्क्स इक्वली. ठीक है, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, वो है चाइनीज सॉल्ट, क्वार्टर ऑफ द स्पून, नॉट मोर देन दैट, सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर के लिए. अब इसको अच्छी तरह से ऑब्वियसली हम कर लेंगे मिक्स. ठीक है, एक ग्लास भर के डाल दिया है मैंने पानी. ठीक है, एक टेबलस्पून भर के जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट. अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें. ये आ गई है हमारी चिकन. अब इसके ऊपर जो है ये सारा जो मैरिनेशन आपने बनाया था उसके ऊपर अच्छे तरीके से और कर दें. ये मैरिनेट होगी 2 घंटे टू ओवर नाइट. आप चाहें तो 2 घंटे तो मिनिमम लगाए ही लगाएं, वरना फिर ओवर नाइट इसको मैरिनेट करके छोड़ दें. ठीक है, आगे बताती हूँ 2 घंटे के बाद आपसे मुलाकात होगी. अच्छा जी, जो 2 घंटे चिकन जो है वो उस बटर मिल्क में और मसालों में थोड़ी सी मैरिनेट हुई है, और उसके बाद वो सारा का सारा पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, बस थोड़ा सा बॉटम में रहने दिया है. उसकी वजह ये है कि जो रिमेनिंग हमारा शान का जो पैकेट मसाला है ब्रोस्ट का, वो अब हम डालेंगे इधर. ये अब जो है ना वेट मैरिनेशन कर देगा, वेट कोटिंग कर देगा एक तरह से चिकन के ऊपर, और फिर हम इसकी ड्राई कोटिंग सेपरेट कर लेंगे. तो इस वक्त अब मैं अच्छे तरीके से तमाम का तमाम जो मसाला है वो चिकन पे कोट कर दूँगी. इस वक्त मैंने ऑयल गरम होने को रख दिया है. इसके अंदर मेजरमेंट्स भी हैं, तो 2.5 लीटर तकरीबन ऑयल है. ये कनोला ऑयल है, आप वेजिटेबल कॉर्न कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं. जब तक मैं बना दूंगी इसकी ड्राई कोटिंग, बहुत ही सिंपल, तकरीबन 2 कप जो है ये मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिया हुआ है, और साथ में है सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून ऑफ गार्लिक, 1/4 टीस्पून ऑफ चाइनीज सॉल्ट अजीनोमोटो, और ये है 1 टीस्पून अनियन पाउडर, और साथ में है ब्लैक पेपर. और इसको जो है ना आपने सारे के सारे मसालों को ऐसे मिला देना है इसके अंदर. बस इसको जो है वो अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि कोटिंग जो है वो हमारी रेडी हो जाए. अच्छा जी, आप लोगों को सेटअप दिखा दूँ. इस तरह से सामान रख लें अपना कोटिंग के लिए. ये चिकन है, ये आपका ड्राई मिक्सचर हो गया, और ये प्लेट है मैंने. अच्छा जी, कोटिंग का सिलसिला बहुत ही सिंपल एंड ईजी है. ये हमने अपना चिकन का पीस लिया है,
और इसको अच्छे तरीके से हमने है वो कोट कर लेना है। कहीं से भी कोई भी हिस्सा चिकन का गीला ना रहे, वेट वेट कोटिंग जो है वो एक्सपोजर में नहीं होनी चाहिए। जैसे इस चिकन के अंदर ये हिस्सा होता है, देखें अभी भी ये यहाँ से हल्का सा चिकन वेट कोटिंग वाला नज़र आ रहा है, तो वो आप अच्छी तरह से कवर कर लें, शेक ऑफ दी एक्सेस एंड देन डिस्पोज हियर। तो जी ये फर्स्ट बैच हमारा रेडी हो गया है, तकरीबन 6 पीसेस हैं इस पॉट में, 6 पीसेस शुड बी फाइन। मैं ऑयल अपना चेक कर लेती हूँ, टूथपिक मैंने डाला है और साथ में हो रहे हैं बबल्स, परफेक्ट टेम्परेचर में हमारा ऑयल है। अब हम बस चिकन फ्राई करें। अच्छा जी, चिकन स्टेशन सारा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। काउंटर के इस साइड के बिल्कुल फ्राइंग के साथ मैंने जो है ये ट्रे रखी है। और ये आपने करना है इस तरह से, आपने इस जाली के ऊपर रख देना है ताकि एयर सर्कुलेट हो और ड्रेन हो और चिकन सॉफ्ट ना हो। ये देखिए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह क्या परफेक्ट शक्ल निकल के आई है, चिकन कम्प्लीटली डन है।